13 जनवरी को दीपा पाटिल साहब की जयंती है और उस जयंती के अवसर पर एयरपोर्ट नामांतरण जो समन्वय समिति है, सर्वपक्षीय समिति है, उस दिन प्रकरणग्रस्तों की परिषद करने वाली है। उसमें तमाम वो मुद्दे उठाए जाएंगे जो आंदोलन का प्रमुख विषय रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ उस कोर कमेटी के मेंबर प्रशांत ठाकुर साहब हैं, आप स्थानीय विधायक भी हैं। किस तरह से रणनीति है कि अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए? 13 जनवरी यानी दीपा पाटिल साहब हैं, उनकी जन्मदिन है, उनका जयंती का दिन है। और इस दिन ये जो दीपा पाटिल साहब नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल सर्वपक्षीय कृति समिति है, इसके अलग अलग जो आंदोलन हुए, इस आंदोलन में अभी तक मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़, इन ज़िलों से अलग अलग पीएपीज प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्र, इन्होंने इस अलग अलग आंदोलनों में साथ दिया। 10 जून का आंदोलन होने दीजिए, 24 जून का होने दीजिए, 9 अगस्त का होने दीजिए या 16 अगस्त की तैयारी होने दीजिए, जिन्होंने इसमें साथ दिया है, इन लोगों के अलग अलग इश्यूज़ उनके जगह पर है। वो इश्यूज़ के ऊपर अब तक वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट होगी या राज्य शासन होगा, उनकी ओर से उसके ऊपर कोई उसके ऊपर सोल्यूशन नहीं निकल पाए और बार बार उनको ऐसे आंदोलनों के लिए लड़ना पड़ता है। यही इशू यहाँ पर भी सिडको रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में है। तो ऐसे सारे इश्यूज़ के ऊपर एक साथ आकर हम लोग चर्चा करें और उसके बारे में राज्य सरकार की ओर हम लोग ये सर्वपक्षीय समिति की ओर से मांग करें, ऐसी हमारी चर्चा हुई और इसके लिए ये दिन मुकर्रर किया गया 13 जनवरी का। 13 जनवरी को भूमिपुत्रों की परिषद होगी और इस परिषद के माध्यम से ऐसे सारे इश्यूज़ के ऊपर चर्चा होगी। ये इश्यूज़ के ऊपर राज्य सरकार को हम लोग लेटर देंगे कि इनको इनके ऊपर हमें चर्चा करनी है, हमें चर्चा के लिए बुलाइए और इन इश्यूज़ के ऊपर डिसीजन दीजिए। और अगर इन इश्यूज़ के ऊपर डिसीजन नहीं लिया गया तो सर्वपक्षीय कृति समिति के माध्यम से इन इश्यूज़ के ऊपर आंदोलन किया जाएगा। ये हमारी आज की भूमिका है। आने वाले समय में ये सारे इश्यूज़ को लेकर हम लोग काम करते रहने वाले। सर, एक जो सबसे बड़ी बात इस उभर के आई है कि 27 गाँव समिति जब नए सिरे से आंदोलन कर रही है क्योंकि एयरपोर्ट के कारण, निर्माण के कारण उनके बहुत सारे गाँव प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे में उनका भरोसा पुरानी जो सर्वपक्षीय कृति समिति है, क्या आपको लगता है कि उनका भरोसा अब नहीं रहा, इसलिए ये आंदोलन अपने तरीके से करना चाहते हैं? 27 गांव संघर्ष समिति है ये, हमने ये जो सर्वपक्षीय समिति बनाई है उसके पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी जब तक ज़रूरत पड़ेगी वो कायम रहेगी। क्योंकि नवी मुंबई एयरपोर्ट जो बन रहा है इसके लिए जिन गाँवों की ज़मीन ली गई, ऐसे गाँवों के ये पीएपीज हैं, जिन गाँवों के घर उठाए गए ऐसे गाँवों के ये नागरिक हैं, तो उन लोग के इश्यूज़ आज उनको रोज़ फेस करने पड़ते हैं, रोज़ उनको झेलने पड़ते हैं। तो ऐसे इश्यूज़ को लेकर इसके पहले हमने भी सिडको के साथ में बात की है, कुछ इश्यूज़ के ऊपर काम के लिए शुरुआत हो गई, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर सिडको ने बात तो की पर एक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे इश्यूज़ को लेकर उनके मन में संघर्ष है कि नहीं, जब तक हम सिडको के काम जो आज चालू हैं एयरपोर्ट एरिया में चालू है, ये बंद नहीं करेंगे, तब तक ये काम नहीं हो पाएंगे। तो उसको लेकर उन्होंने आंदोलन की घोषणा की है और हम भी मानते हैं कि ये सारे इश्यूज़ महत्वपूर्ण हैं, इन इश्यूज़ के ऊपर सिडको ने जवाब देना चाहिए, सिडको ने कार्रवाई करनी चाहिए और सिडको अगर कार्रवाई नहीं करती है तो 27 गांव के लोगों ने जो भूमिका ली है हम उसके ऊपर उनके साथ में है। 27 गाँव की समिति ये यहाँ की 27 गाँवों को लेकर है, लेकिन हमने जो आंदोलन किया है या हमने जो दीपा पाटिल साहब का नाम देने के लिए जो भूमिका ली है, ये मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़, ये चारों ज़िलों के अलग अलग भूमिपुत्रों ने मिलकर ये भूमिका ली हुई है। तो ये सारे ज़िलों के लोग जो हैं, ये सारे ज़िलों के लोग अपनी अपनी प्रायोरिटी हमारे समिति के सामने बताते रहते हैं, उसको लेकर हम लोग आंदोलन की दिशा तय करते हैं और इसमें 27 गांव के लोग भी शामिल है, उनकी राय साथ में बनी रहेगी, उनको छोड़कर ना हमारा यह आंदोलन आगे चलेगा और उनके इश्यूज़ को छोड़कर हमारा यह आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। सर, आखिरी सवाल, एयरपोर्ट का निर्माण अभी 3-4 साल बाद और होगा, तो क्या इस बीच में राज्य सरकार और सिडको अपना टाइम पास कर रही है और जो प्रकल्पग्रस्तों की मांग है कि नामांतरण होना चाहिए उस मुद्दे को वो पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही है? ऐसा है कि राज्य सरकार की भूमिका क्या है वो राज्य सरकार अभी बता नहीं रही है। 24 तारीख का आंदोलन करने के बाद
सिडको ने जो नाम दिया था उसको राज्य सरकार के मार्फत माध्यम से आगे उसको पास करने के लिए जो कार्रवाई होनी अपेक्षा कर रहे थे लोग, वो तो उन्होंने नहीं किया। तो आप कह रहे हैं कि सिडको या राज्य सरकार आवी है, हम लोग कह रहे हैं कि हमारी आवाज़, हमने हमारी आवाज़ पहुंचा दी है, तो हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। एक तरफ ये चीज़ है, दूसरी तरफ हमें ये आंदोलन की भूमिका क्यों लेनी पड़ी, क्योंकि राज्य सरकार नहीं सुन रही। लेकिन आंदोलन को दबाने के लिए राज्य सरकार कोरोना का कारण हमेशा आगे करती रही है, तो इसके लिए तीन तीन चार चार केसेस हमारे आंदोलन में हमारे साथ जो लोग जुड़े उनके ऊपर हो चुके। आज भी अब जब हम लोग ये नए भूमिपुत्र परिषद की बात कर रहे हैं, उस वक्त वापस ओमिक्रॉन आया, उसको रिलेटेड कोई ना कोई नया कुछ चल रहा है, तो हम लोग भी ना एयरपोर्ट का काम पूरा होने को दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हम लोग भी ये सारे केसेस लोगों पर लेकर, उनको ऊपर 10 केसेस हो रहे हैं, उनको पुलिस उठा के अलग अलग कारणों से लेके जा रहे हैं, फिर भी हम लोग इसको यहाँ पर हम लोग दबोचने की कोशिश करें, लोगों के ऊपर ये थोपने की कोशिश करें, इतनी जल्दी आज नहीं है। तो हम लोग भी पेशेंट हैं, लेकिन हम लोग अपने आप पर कायम है अपनी बात के ऊपर कि दीपा पाटिल साहब का नाम देने तक हम चुप नहीं रहेंगे। और जब ऐसी परिस्थिति दिखेगी कि दीपा पाटिल साहब का नाम देने के बारे में राज्य सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर विरोध कर रही है, और अभी ये समय आ गया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, उस स्टेज पर आकर हम लोग और आक्रामक स्वरूप से इस आंदोलन को लेके जाएंगे। सर, अगर 13 तारीख को आंदोलन का परिषद को अगर सरकार रोकती है, पुलिस रोकती है, तो आगे की भूमिका क्या होगी, किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा? नहीं, हम लोग सारे परिषद के लोग हैं, सारे परिषद के सारे लोग मिलकर उसके ऊपर बात करेंगे। हम लोग आज कोई आंदोलन नहीं कर रहे, हम लोग इकट्ठा आके अपने इश्यूज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इसमें अपना रोड़ा नहीं डालेगी। तो थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि ये आंदोलन जो अब करो या मरो की स्थिति में आने वाले समय में जा सकता है, अगर सरकार और सिडको ने इन विषयों पर गंभीरता से विचार नहीं किया, प्रकल्पग्रस्तों के मुद्दों का समाधान नहीं किया, और एयरपोर्ट पर दीपा पाटिल साहब का नाम नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है ये प्रकल्पग्रस्तों का आंदोलन आक्रामक और करो या मरो की स्थिति में जा सकता है। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।